नमस्कार दोस्तों, मिस्टर इंजीनियर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा आपके घर पे लगने वाली एलईडी बल्ब जो कि ख़राब हो जाती है, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसमें हर तरह के वीडियो देखने को मिलेगा। हर एक इंजीनियरिंग फील्ड वाले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। कंप्यूटर का भी वीडियो मिलेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों का भी वीडियो मिलेगा, सिविल इंजीनियर का तो मैं रखा ही हूँ पहले दो वीडियो, तो सभी टाइप का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। सभी टाइप्स का नॉलेज है हमारी इस चैनल पे, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे एलईडी बल्ब को ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले एलईडी बल्ब को हम चेक कर लेते हैं चालू है कि नहीं। तो मैंने इस इधर डायरेक्ट दो ऐसी जो अपने स्विच बोर्ड में से जो पावर आता है उसका डायरेक्ट सोल्डरिंग करके मैंने पावर दे दिया है। अभी हम स्विच ऑन करके देख लेते हैं। तो अभी हमने स्विच ऑन करके देख लिया, हम पावर वोल्टेज चेक कर लेते हैं कितना पावर सप्लाई हमने दिया है। तो सबसे पहले आप अपना वोल्ट मीटर लीजिए, उसको एसी सप्लाई पे डालिए 750 वोल्ट पे, क्योंकि अपना जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आता है वो एसी सप्लाई आता है, उसको पॉजिटिव नेगेटिव प्रोब से जोड़ के कनेक्ट करके आप देख सकते हैं कितना पावर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं 260 तक पावर आ रहा है, तो मतलब अपना पावर सप्लाई सही है, लेकिन अपना बल्ब में कहीं ना कहीं खामी है। तो सबसे पहले हम बल्ब को ओपन करके देख लेते हैं। आप बल्ब के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, ये जो उजाला का बल्ब है, मतलब जो गवर्नमेंट ने सभी को प्रोवाइड किया है वो सस्ता वाला बल्ब, वो वाला बल्ब है, तो ये ख़राब हो गया है। तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे वो देख रहे हैं। सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ये जो है अपना चिपकाया हुआ रहता है, तो उसको आप टेस्टर से या किसी भी चीज़ से घुमा कर ओपन कर सकते हैं। हमने ओपन कर लिया है। बल्ब को ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले जो चीज़ देखेगा वो है एलईडी लाइट। ये जो सामने दिख रहा है वो है एलईडी लाइट। इसको दो सप्लाई दिया है पॉजिटिव नेगेटिव प्रोब्स के रूप में। इसके नीचे में रहता है अपना सर्किट डायग्राम, जो कि 240 वोल्ट 250 वोल्ट जो आ रहा है अपना पावर सप्लाई में से, उसको कन्वर्ट करके एलईडी को जितना ज़रूरत है उतना लाइट प्रोवाइड कर रहा है। कितना सप्लाई ज़रूरी है एलईडी को वो मैं अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमको चेक एलईडी लैंप रिपेयर करने के लिए जो भी चीज़ चेक करनी है वो है, ये जो आपको पॉजिटिव नेगेटिव प्रोब्स दिख रहा है वहाँ पे लाइट्स मिल रही है कि नहीं, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको वोल्टेज प्रोब चेक करना है, यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है वो आपको चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। बल्ब को ओपन करने के बाद अपने को यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है, तो उसको फिर से सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं। फिर अपने को वोल्ट मशीन को इस बार ध्यान रखना है, अपने को वोल्ट मशीन को डीसी वोल्ट 200 पे रखने का है, एसी पे मत रखिए, वहाँ पे आपको गलत रीडिंग मिल सकता है। डीसी वोल्ट 200 पे रखिए, उसका पॉजिटिव नेगेटिव प्रोब्स आप अपने हिसाब से लैंप का जो डायग्राम है उसमें देख सकते हैं कहाँ पर पॉजिटिव रखना है कहाँ पर नेगेटिव रखना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव दिखाया है, यहाँ पे नेगेटिव दिखाया है, तो नेगेटिव मतलब अपना ब्लैक प्रोब्स रख देंगे, पॉजिटिव मतलब अपना रख देंगे। दोस्तों आपको वोल्ट मीटर में क्लियर दिख रहा है, दोस्तों आपको वोल्ट मीटर में क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे 110 111 वोल्ट जितना पावर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका जो पीछे का सर्किट लगा है वो एकदम सही है, उसको छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। वो सर्किट कैसा दिख रहा है वो मैं आपको, दूसरा लैंप है मेरे पास उसको खोल के दिखाता हूँ। मैंने पहले ही एक दूसरा लैंप को खोल के रखा था, तो उसमें से निकाल के दिखाता हूँ कि वो सर्किट कैसा दिखता है। अभी मेरा बल्ब है उसमें पावर सप्लाई यहाँ तक सही आ रहा है, मतलब उसका यहाँ तक पावर सप्लाई सही आ रहा है। उसका मतलब ये है कि मेरा जो ये एलईडी लगा है एसएमडी एलईडी पैनल, उसमें से कोई एलईडी ख़राब हुआ होगा। यहाँ पे आप सामने दिख रहे हो ये जो एलईडी है
उसमें से पीला वाला कवर निकल गया है, तो ये एलईडी अपना ख़राब हो चुका है। दूसरा भी चीज़ देख सकते हो यहाँ पे, ये वाला थोड़ा जला हुआ दिख रहा है, मतलब ये थोड़ा ब्लैक डॉट्स हो गया है, तो ये एलईडी भी अपना जला हुआ दिख रहा है। तो अपने को दो एलईडी ख़राब दिख ही रहा है सामने से, फिर भी इसको कैसे चेक करना है अगर पावर सप्लाई है अपने पास और ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है और पूरा एसएमडी मतलब एलईडी लाइट सही दिख रहा है इसकी तरह, तो आपको कैसे चेक करना है कि अपना एलईडी कौन सा ख़राब है कौन सा सही है, तो वो मैं आपको पावर सप्लाई दे के दिखाऊँगा। अभी बात करते हैं इसके बारे में, तो ये है उसका अंदर का सर्किट, जो कि उसमें बहुत सारे डायोड ईसी लगे हुए रहते हैं। ये है उसका लैंप का अंदर का सर्किट। अपने को यहाँ तक वोल्टेज मिल रहा है, उसका मतलब ये है कि अपना जो पीछे का सर्किट लगा है बीच में, उसको छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी फॉल्ट है वो अपना एलईडी एसएमडी एलईडी पैनल में ही फॉल्ट है। दोस्तों अभी हम चेक करते हैं पैनल को, एलईडी पैनल को, कि वो वहाँ पे कौन सी एलईडी ख़राब है। तो इसको चेक करने के लिए आप कुछ भी मत करिए, लाइट ऑन कर दीजिए, उसको पावर सप्लाई चालू कर दीजिए, उसके बाद अपने हाथ में एक टेस्टर लीजिए। ये जो पॉजिटिव प्रोब्स है उसके साथ पहला एलईडी ये लगा हुआ है, तो ये नेगेटिव प्रोब्स, ये पॉजिटिव प्रोब्स हुआ, तो उसके सामने वाला नेगेटिव प्रोब्स हुआ। ऐसे करके आप एलईडी का दो प्रोब्स है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, एलईडी का दो पॉइंट है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, वो सब सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी एक साइड ऐसे टेस्टर रखिए, देखो ये एलईडी ब्लिंक हो रहा था, टेस्टर से नहीं हो रहा है, तो आप एक काम करिए, देखो एलईडी ब्लिंक हो रहा था। टेस्टर आपका ख़राब होगा तो एलईडी ब्लिंक नहीं करेगा, क्योंकि उसको उसको पीछे से अर्थिंग देना ज़रूरी है। यहाँ पे अपना उंगली रखिए, ऐसे करके देख लीजिए, ये देखो अपना एलईडी ब्लिंक हो रहा है, मतलब ये एलईडी सही है। अभी हम दूसरी एलईडी की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो दूसरी एलईडी को यहाँ से रखा हमने, मतलब ये दोनों एलईडी ब्लिंक हो रही है, तो मतलब ये दोनों एलईडी अपना सही है। अभी ये एलईडी तो ख़राब दिख ही रहा है, यहाँ पे रखेंगे तो अपने को दिख रहा है दोनों एलईडी ब्लिंक हो रहा है, तो मतलब इस साइड का पूरा ये पैनल पहले कैसे है, तो यहाँ से ये जुड़ा है, इसके साथ ये जुड़ा है, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, ऐसे लाइन में ऐसे जुड़ा हुआ है। तो हम सबको लाइन से बारी बारी से चेक करेंगे, तो इसको लगा के देखा तो आगे का दो एलईडी जल रहा है, मतलब ये दो एलईडी सही है, ये तो ख़राब ही है। इसको कैसे अपने को सीरीज में से हटा के उसको डायरेक्ट कैसे करना है वो मैं अभी वीडियो में दिखाऊंगा। यहाँ पे रखेंगे तो कुछ नहीं हो रहा है, मतलब ये एलईडी भी ख़राब है, ये भी ख़राब है। अब इसको दोनों साइड रखेंगे, अभी पीछे की साइड रखा तो सारी की सारी एलईडी जली, ये सब एलईडी जली, ऐसे रखा तो मतलब ये भी अपनी सब एलईडी सही है, ये भी सब लाइट सही है, ख़राबी ये दोनों में है। तो अभी हमको इसको डायरेक्ट करना है, जंप मारना है, जंप कैसे मारना है वो मैं दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले एलईडी का पॉजिटिव नेगेटिव प्रोब्स देखना बहुत ही ज़रूरी है, वरना जंप मारने में शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस रहता है। दोस्तों मैंने ये छोटा सा वायर का टुकड़ा लिया है, अब देख सकते हैं, उसको मैं अभी डायरेक्ट करके दिखाऊंगा। पावर सप्लाई चालू कर दीजिए, अभी इसको मैं पॉजिटिव नेगेटिव प्रोब्स को जोड़ूंगा। कैसे जोड़ रहा हूँ अब ध्यान से देखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव प्रोब्स जोड़ दिया साथ में, तो आपको शॉर्ट सर्किट का चांस रहेगा। मतलब आप खास ध्यान रखिए पॉजिटिव नेगेटिव को कैसे जोड़ना है, सीरीज में ही कनेक्शन होना चाहिए। देखो ये मैं जंप कर रहा हूँ, ये देखो ये अपना लैंप चालू हो रहा है, ठीक है, ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। अभी मैं इसको सोल्डरिंग करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये वर्क कर रहा है। तो दोस्तों एक बार फिर से ध्यान रखिए कैसे चेक करना है इसको, ऐसे टच करवा के देख लीजिए, आपको जो भी दो लाइट सीरीज में होगी चालू होगी वो आपको दिखेगी, बाकी जो नहीं हो रहा है वो दोनों एलईडी ख़राब है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसको मैंने कैसे जंप किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल सोल्डर को लिया है, उसको पिघला के इसको डायरेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन बना दिया है, तो ये अपना हो गया जंप। मतलब इसके नीचे भी जो एलईडी था वो भी निकल गया, ये एलईडी था वो भी सीरीज में से निकल गया है, तो ये हमने जंप कर दिया है। अभी देख सकते हैं यहाँ से लेकर सीधा यहाँ तक मैंने जंप कर दिया है। अभी हम इसको चालू करके देख लेते हैं, तो इसको सप्लाई दे के देख लेते हैं कि अपना जो काम हुआ था वो सही हुआ है कि नहीं, वो हम देख सकते हैं।
देखिए दोस्तों, ये अपना लैंप है वो पूरा मतलब लाइट फेंक रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, चालू हो गया है। एक दो बार चालू बंद करके दिखा देता हूँ, इसमें और कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको और कोई परेशानी आ रही है एलईडी बल्ब रिपेयर करने में तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए, मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन दिखाऊंगा। सर्किट में भी कोई दिक्कत है आपको, इसमें तो सर्किट में दिक्कत नहीं था तो मैंने उसको खोला ही नहीं है। अगर आपके पास कोई वो दूसरा लैंप है, एलईडी बल्ब है और उसमें सर्किट में भी दिक्कत है तो मेरे को बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ कि इसकी सर्किट को कैसे चेक किया जाता है, इसको कैसे बनाया जा सकता है। ये सब पार्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, 10-20 रुपये में आपका लैंप तैयार हो सकता है। तो इसके लिए आपको 100-150 रुपया देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही इसको बना सकते हैं। और आखिरी में एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, कि आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, आपको अलग अलग वीडियो और देखने को मिलेगा।